दोस्तों कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है अंशल निमेश में। मैं हूं अंशल। मैं एक बार दोबारा से आ गया हूं अपना सिलेबस रिवील करने। इस बार मैं आया हूं क्लास सिक्स्थ के साथ। पिछली बार मैंने अपनी क्लास फिफ्थ का सिलेबस रिवील किया था, उससे पहले मैंने क्लास फोर्थ का सिलेबस रिवील किया था। अब मैं पहुंच चुका हूँ क्लास सिक्स में। मैं अच्छी ग्रेड से पास हो गया हूँ। 21 मार्च से मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे मैं आ गया हूँ क्लास सिक्स के बुक्स लेके, और उसका सिलेबस आपको रिवील करूँगा और बुक्स बताऊँगा आपको कैसी कैसी बुक्स मिल सकती है। अगर आप किसी का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड में, या आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आपको बुक्स का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे बुक्स आएगी। ये बुक्स सारी ICSE बोर्ड की है, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ, तो सिक्स स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड बुक्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सारी बुक्स, उसके बाद दिखाऊंगा सही नोटबुक्स और एक्स्ट्रा यूनिक स्टफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक से। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी बुक्स बाय करते हैं वो हम लोग किसी भी शॉप से बाय नहीं करते। हम लोग वो बाय करते हैं अपने स्कूल से। हमारे स्कूल में ही हम मनी पे करते हैं, उसके बाद वो हमको बुक्स देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गई है राजपाल कंपनी की पॉकेट हिंदी डिक्शनरी, जो कि बहुत ही अच्छी है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप भी इसको बाय कर सकते हैं सेपरेटली, या आप के वो अगर ये स्कूल में भी प्रोवाइड हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ये एक बड़ी सी बुक जिसका नाम है श्री अरबिंदो द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। श्री अरबिंदो को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े राइटर थे, वो संस्कृत के श्लोक्स लिखते थे। तो ये उनकी पूरी लाइफ पे बेस्ड बुक है, बहुत ही बड़ी, इंग्लिश में रिटेन। ये उनकी लाइफ पे बेस्ड बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी बुक इंग्लिश में, इसमें पिक्चर्स भी हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्टन विक्रम बत्रा की पूरी लाइफ की स्टोरी हिंदी में। कैप्टन विक्रम बत्रा को आप जानते होंगे, इन पे मूवी आई थी शेरशाह, उन्हीं की ये पूरी बुक है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं और बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके बाद है हमारे पास न्यू गाइडेड इंग्लिश फॉर इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं इसके एक ये है प्रैक्टिस बुक और ये है इसकी बुक। तो ये जो न्यू गाइडेड इंग्लिश फॉर इंडिया, ये ऑक्सफोर्ड की तरफ से है और इसको लिखा है DH होव में। सो यूजुअली पहले हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखते थे, मगर अब ये न्यू आई है, न्यू गाइडेड इंग्लिश फॉर इंडिया। अब ये इंडिया की इंग्लिश है, अलग एकदम डिफरेंट ब्रिटिश है, बट सिमिलर तो ऐसी है, मगर ये अच्छी गाइडेड है। अब हम लोग इसका इंडेक्स देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास इसका इंडेक्स है। इसमें इंडियन स्टोरीज और माइथोलॉजी की वजह से हमको सिखाया गया है। ये इंग्लिश बुक के चैप्टर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, आप इसको पढ़िए। जी देखिए, इस पेज पे 15 चैप्टर्स हैं, इधर भी 15 चैप्टर्स हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हैं यहाँ पे 15। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे भी और 15 लेसन्स हैं जो कि हमने देखे थे उधर, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लेसन्स हैं। हमारे पास ढेर सारे लेसन्स हैं, तो उनको पढ़ा। इसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं और इधर ग्रामर रिलेटेड, पंक्चुएशन और इन सब का दिया गया है। तो इसकी प्रिंटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पूरी ब्लैक एंड वाइट बुक है, इसमें कलर कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी की प्रैक्टिस बुक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस बुक भी शो करता हूँ। जो हम लोग चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे और ग्रामर इसमें पढ़ेंगे, उसी की एक्सरसाइजेस इसमें दी गई है। ये है इस प्रैक्टिस बुक के 30 चैप्टर के प्रैक्टिस शीट्स। ये प्रैक्टिस बुक में जो 30 चैप्टर्स बुक में थे, उसी के एक्सरसाइजेस यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं वहीं हैं सारे। तो अब चलिए, हम लोगों को इसमें होमवर्क क्लास वर्क करना होगा, ये इस तरीके से है। तो चलिए नेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। तो अब आ गई है हमारी एक न्यू बुक जो है हिस्ट्री और सिविक्स की। ये हिस्ट्री और सिविक्स की एकदम न्यू बुक आई है, जो फिफ्थ क्लास में नहीं थी। अब ये SST की ही का ही पार्ट है, तो उसको सेपरेट करके अब इनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें कर दिया है। तो ये है इसमें, अब हम क्लास सिक्स में अब हमारी सेपरेट बुक्स हो गई हैं। तो ये है हिस्ट्री और सिविक्स का, मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। तो ये है इसका इंडेक्स, इसमें आपको मतलब माइथोलॉजी मिल जाएंगी इजिप्ट की, फिर यहाँ पे आपको एम्पायर्स मिल जाएंगे जैसे द मौर्य एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर। इसमें हमको हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इसमें हमारे गवर्नमेंट सिविक्स में गवर्नमेंट के बारे में रहेगा, और
हिस्ट्री में हमारे मैथोलॉजीज इंडियन उसके बारे में रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में सबकी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे प्रूफ्स हैं, मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सिविक्स में इंडिया के बारे में आप देख सकते हैं, मैं आपको कह रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट बुक पर पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी। तो ये पूरी बुक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैं आपको तो आप जैसे मैंने आपको दिखाया था, हिस्ट्री और सिविक्स की अलग बुक है और ज्योग्राफी की अलग बुक है। पहले ये सब SST का पार्ट थे, अब ये लोग सेपरेट हो गए हैं ये सारी चीज़। तो अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आ गई हैं क्योंकि अब कोर्स बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये है सिलेबस इसका, यहाँ पे ढेर सारी थीम्स हैं आप देख सकते हैं। ये है थीम नंबर 1 और थीम नंबर 2। ये पूरे लैंडफॉर्म्स और इन सब के बारे में है, मतलब इंडिया के लैंडफॉर्म्स, बाहर के लैंडफॉर्म्स, मैप्स और इन सब के बारे में हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी है चैप्टर्स, देख सकते हैं आप। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके दे पढ़ सकते हैं। तो ये रहा पूरा इंडेक्स का, मैंने आपको इंडेक्स एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू हमको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये इसकी कुछ प्रिंटिंग है इस बुक की। तो चलिए अपनी नेक्स्ट बुक में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट बुक है मेरी फेवरेट, श्रीजन ICSE फिजिक्स। फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अभी ये 6th में स्टार्ट हुआ है, मैंने इसको अभी थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 6th में ये है हमारा इंडेक्स, हमारा चालू हो रहा है। हमारी थीम 1 है मैटर। तो फिजिक्स अब चालू हो गया है, ये की कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे है ये सारे चैप्टर्स हैं, ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं इसमें, और जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम नंबर 3 है फोर्स, थीम नंबर 4 है एनर्जी, थीम नंबर 5 है लाइट और थीम नंबर 6 है मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको फिजिक्स समझाई गई है, नंबर्स और इन सब के थ्रू बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एंड में एक एक्सरसाइज शीट भी है जिसमें हमको फिजिक्स के बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक में। हमारी नेक्स्ट बुक क्लास 6th में साइंस की भी सेपरेट बुक्स हो गई हैं। तो जैसे अब हमने देखा था कि वहाँ पे अभी हमने फिजिक्स देखी थी, अब आ गई हमारे पास केमिस्ट्री। तो अभी हमारे पास आ गई है केमिस्ट्री। साइंस का भी पार्टीशन हो गया 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। तो अभी हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री क्लास 6th ICSE बोर्ड की ये बुक है। तो आइए देखते हैं इसका इंडेक्स। तो ये है इसका इंडेक्स, कुछ बहुत ही फन और कलरफुल इंडेक्स है। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। तो यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हैं, 7 के 7, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कलरफुल बुक है। हमको इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं ढेर सारे पेजेस हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ पे पूरे मेथड्स के साथ हमको सिखाया गया है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। हमारी नेक्स्ट बुक है बायोलॉजी। बायोलॉजी मुझे बहुत ही पसंद है। साइंस में बायोलॉजी का जो प्लांट्स और इन सब से रिलेटेड था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अभी हम लोग आ गए हैं, ये है इनसाइड फीचर्स ऑफ द ये। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं अपने कंटेंट्स में, यानी अपने इंडेक्स में। तो यहाँ पे थीम है जिसमें प्लांट्स हैं, पहली थीम है प्लांट लाइफ जिसमें चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे चैप्टर्स हैं इन टोटल, इसमें 5 थीम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 चैप्टर्स हैं इन टोटल। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बहुत कलरफुल बुक है उसकी तरह, इसमें भी एग्जांपल बहुत अच्छे हैं हमको सिखाया गया इससे, ये देखिए। तो अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। हमारी नेक्स्ट बुक होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है मेरी फेवरेट इंग्लिश, एम्पायरिंग इंग्लिश बाय उषा पंडित। तो ये हम लोग देखते हैं हमारी इंग्लिश, एम्पायरिंग इंग्लिश। पहले भी थी, 5th में भी थी, 4th में भी थी, अब आ गई है हम लोग 6th में। तो 6th की अब हम लोग देखते हैं एम्पायरिंग इंग्लिश, जिसमें ऑब्वियसली 32 चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखाता हूँ सारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 चैप्टर्स बोथ पेजेस में हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं।
सारे चैप्टर्स। तो ये फर्स्ट पेज, ये रहा सेकंड पेज। तो देख सकते हैं इसमें टोटल 32 चैप्टर्स हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ये भी बहुत अच्छी बुक्स है, बुक है जिसमें हमें अमेजिंग आर्टवर्क से एक्सप्लेन किया गया है। इसके आर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो छोटी छोटी ड्राइंग्स होती हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। तो माई नेक्स्ट बुक है वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, जो है अंडरस्टैंडिंग मैथ्स बाय ML अग्रवाल। मैथ्स मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं मैथ्स में। इस बार इसका बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है, तो इसलिए इतना बड़ा है इसका इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं, देख सकते हैं सारा पूरा सिलेबस है, थीम है यहाँ पे सारी। जैसे यहाँ पे थीम है नंबर सिस्टम, सेकेंड थीम है हमारी रेशियो, थर्ड थीम है हमारी अलजेब्रा। आप पूरा पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे हैं, पूरा एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी और थीम्स है, जैसे थीम 4 है ज्योमेट्री, थीम 5 यहाँ पे है मेजरमेंट, थीम 6 है डेटा हैंडलिंग। आप देख सकते हैं बहुत, आप वीडियो को पॉज करके चैप्टर्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे कंटेंट्स, यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं नोइंग द नंबर सिस्टम, ये ना कंटेंट्स, वो था सिलेबस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमको एग्जांपल्स दे के सिखाया गया है मैथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स दे के इंटीजर्स का, ये सब सिखाया गया है हमें, अच्छे से एग्जाम्पल दिए गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक है, जो कि हमें कंप्यूटर लॉजिक स्टेसी फॉर क्लास 6। तो ये बेसिकली कंप्यूटर को क्या, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसी है। यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके चैप्टर्स पे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, सेकेंड है टेबल्स इन, ये सारे चैप्टर्स हैं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें HTML वगैरह सब सारी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं पाइथन के साथ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी है, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू हमको समझाया गया है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस शीट है बहुत सारी, और इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट्स के थ्रू हमको दिखाया गया है, जैसे हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं कुछ भी, कहाँ पे वो आइकन होता है, कैसा आइकन होता है, ऐसे पूरा हमको सिखाया गया है। देखिए यहाँ पे HTML सिखाया गया है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसको पढ़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे। तो माय नेक्स्ट बुक है राइज अप GK 6th क्लास के लिए। तो ये रहा इसका, यहाँ पे हमको एक पोस्टर दिखेगा जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा किसी दूसरी वीडियो में, अभी मैं इसको नहीं चाहता। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसके टॉपिक्स पे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, इसीलिए अब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स जो हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। इसमें टेस्ट पेपर्स भी होते हैं, पीछे आंसर शीट भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे हमको आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पिक्चर्स दिखा के, लाइक नेम दिस पर्सन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस प्लेस, तो ऐसे ऐसे हमको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये हमारी आंसर शीट जिससे हम लोग आंसर देख सकते हैं हम अपने आप को करेक्ट करने के लिए। मान लीजिए हमारा कोई आंसर गलत है तो हम लोग इस आंसर शीट से उसको देख के करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आंसर शीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरी नेक्स्ट बुक है, अब हिंदी का पैटर्न आ गया है। तो ये है ओस के मोती बाय रचना सागर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंडेक्स। ये बुक भी हमारी क्लास 5th और 4th से चली आ रही है। यहाँ पे इसका इंडेक्स, तो ये है इसका इंडेक्स, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं, ढेर सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं।
बहुत ही मोटिवेटिव चैप्टर स्टोरीज हैं इसमें, बहुत ही अच्छी मुझे तो इतने सारे चैप्टर्स लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरी बुक, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं और ये सब है जिससे हमें एक्सप्लेन किया गया है स्टोरीज, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज इसमें लिखी गई हैं। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई। तो अभी हमारी नेक्स्ट बुक है हमारी सुगम हिंदी व्याकरण। ये बहुत ही ऐसी बुक है जो हमारे व्याकरण यानी हमारे हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिसमें हमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि हमको कैसे ग्रामर यूज़ करनी है। ये रहा इसका इंडेक्स, आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स, इसमें इन टोटल 38 चैप्टर्स है और आप देख सकते हैं पूरी बुक पे ढेर सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे और सारे कैसे ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी इसकी टेक्स्ट है, बहुत ही अच्छे से हमें इसमें समझाया गया है हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक जो कि है देव भाषा यानी संस्कृत क्लास 6। तो ये है हमारी संस्कृत क्लास 6 की बुक जिसमें हमको संस्कृत ग्रामर, प्रार्थना, श्लोक और ये सब नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें हम लोग अभी आपको मैं इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। ये है इसका इंडेक्स, इसमें हमको अब से क्लास 6 से संस्कृत की ग्रामर, संस्कृत बोलना और ये सब बहुत ही ज़्यादा सिखाया जाएगा, इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इसकी पूरी बुक जिसमें संस्कृत में स्टोरीज हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, उनकी मीनिंग है। तो ये रही मेरी संस्कृत की बुक। अब यहाँ पे हमारी सारी बुक्स ओवर हो चुकी हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी नोटबुक्स। तो ये रही मेरी सारी नोटबुक्स और ये रहा उनका कवर। तो अभी मुझे अपनी सारी नोटबुक्स, रजिस्टर, प्रैक्टिकल नोटबुक, इन सब पे अपना कवर चढ़ाना है। यहाँ पे हमको सिंगल लाइन, डबल लाइन और वो मैथ्स की कॉपीज मिली है आपको, वैसी कॉपीज मिलेंगी जो आपके स्कूल में होगी। यहाँ पे हमें 10 पंच शीट्स का एक और बंडल भी मिला है और रजिस्टर वगैरह वैसे ही। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ यूनिक स्टफ जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। ये तो पहले एक रिपोर्ट फाइल है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें हम लोग मतलब अपने जिसमें हम लोग अपने रिपोर्ट्स, अपने कार्ड्स, अपनी प्रैक्टिस शीट्स ये सब लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं, हमको मिले हैं 2 यूनिक ब्लैक पेपर्स और यहाँ पे मिले हमको 4 क्वार्टर शीट्स। और ये मैं आपको क्वार्टर शीट्स दिखा रहा हूँ, ये एक पंच शीट के साइज़ की होती है बट उससे पंच शीट से बहुत बड़ी होती है ये एक्चुअली, और इसमें पंच नहीं होते हैं। और यहाँ पे आ गए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक पेपर जो कि हैंडमेड पेपर है ये। तो ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, अब इनका क्या यूज़ है तो मुझे क्लास स्टार्ट होते ही पता चलेगा। बहुत ही मुझे ये बहुत ही सारे आइटम्स बहुत ही अच्छे लगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा 6th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी जानने वाला 6th क्लास में जा रहा हो या 6th क्लास में है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए ये हेल्पफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो, आपको ये सिलेबस, आपको ये बुक्स कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर बाय बाय।